ये जी मुस्तफा, और एक मिनट इंट्रो देने दे। और ये बाजों वाली सरकार जा रही है और बाजे बज रहे हैं, और ये जनाब मुस्तफा है। और आप लोग सबसे पहले कायदे आजम के 14 निकात पढ़ें, फिर अपने दाएं देखें, फिर बाएं देखें, और फिर बाजा बजाएं। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और ये शेल के पंप के बाहर से हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और ये गाड़ियाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये कल्सूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। भैया रुकना कहाँ, जाना ही जाना है, चलेंगे बस रास्ते से गुजरते हुए। टाइम 10:13। रोड का टाइम क्यों आ नहीं दिया? 10:13:18 माशाल्लाह, लोगों का जज्बा दीदनी है दोस्तों, और ऐसा जज्बा कहाँ देखने को मिलेगा यार आपको। ये व्लॉग देख के आप लोग मुझे शाबाश जरूर दीजिएगा। कौन आपके लिए सब कुछ करेगा ब्रो? आइए चार लोग। लोगों का जज्बा दीदनी है और जोश भी दीदनी है, लोग इंतहाई ज़्यादा पुरजोश सामने आई हुई हैं, और बहुत वाडी ओए साढ़े छः। तू कितने आगे रोक दीती है सालम? बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। मारी जाने यार, इन्होंने ख्याल को नहीं है लोगों के कन्ना की पटाखे मारी जाते हैं। छः मिनट थोड़ा मैं इधर रोड आ जो 14 अगस्त मुबारक हो दोस्तों। और ये हमारे आज एक बिल्डिंग है यहाँ पे, कल्सूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस, एंड दिस इज मुस्तफ़ा। ये आज आया मेरे साथ फिरने यहाँ पे। 14 अगस्त के लिए मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, और इस जज्बे के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे ज़िंदगी को। कायदे आज़म था पाकिस्तान, ये कायदे आज़म ने बनाया था और बहुत खूबसूरत बनाया था। डाकुओं ने खा लोटे खा ले, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसके हाथ जो आएगा वो खाएगा, उसे पेट किसी को नहीं लगा हुआ। ये हमारे सामने फ्लैग्स जा रहे हैं दोस्तों, और ऑल राइट इसको इधर से बनाएंगे। क्यों उधर आंटी तो डर में? मुझे डर भी लगता है ना आंटियों से, किसी की फ़ोटो बना दो बाद में पकड़ के जूते फेरे हो, पता चले जी यूट्यूबर साहब जो है जूते खाई जा रहे हैं, पता चले यूट्यूबर ने सेहत माँ लगे को नहीं रहने भी चाहिए जूती ना है। ये हाँ बेबी यू आर राइट, बोला बोला आज तो बड़ी रौनक है, अभी तो अभी 10 बजे हैं और सोचें 12 बजे क्या होता है। ये देखें मासूम सा पाकिस्तानी, और ये
जियो लाला जियो ओ तेरिया खैरां जी मोहम्मद से बाद उन्हें दम दे रहे हैं ये लोह कलम क्या है जो कुछ भी दे रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान में बहुत जज्बाती लोग पाए जाते हैं और ऐसे जज्बात की आप सोच होगी जश्न आजादी जश्न आजादी बड़ी जबरदस्त और मेट्रो भी गुजर रही है पास से और सामने बिल्डिंग ये है जनाबे अली ये मैं और मुस्तफा आए हुए हैं बाहर ये यहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं और कम वक्त तो पटाखे ना चलाओ ये यहाँ पे पटाखे चला रहे किसी ने मेरे कान में पटाखा फेंका है इट्स वेरी डेंजरस यार स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है ये दूसरी बिल्डिंग है ये फलानी बिल्डिंग है और बड़ी रौनक है यार माशाल्लाह बाकी पाकिस्तानी कौम की कमाल वंडरफुल आई वुड से ओ बे यार तो ना करो सो ब्यूटीफुल यार तो जी दोस्तों आज का बड़ा ही खूबसूरत सा इवेंट था लोग बसों में गाड़ियों पे वैगनों पे हर चीज़ पे सवार होकर यहाँ पर पहुँचे हैं और हम भी आए हुए थे 14 अगस्त मनाने के लिए ये है सेवर्स और ये है शूटिंग पाल टावर और ये है बैरिकेटोन सेवर्स पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं उसके अलावा ये बिल्डिंग्स पे बहुत लोग हैं ये बैरिकेटोन प्लाजा है यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम है लुक अराउंड लुक एट दैट किस तरह लोग बाहर निकले हुए हैं किस तरह से लोग जो है वो जज्बा दिखा रहे हैं तो जी ये बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर है फ्रेंड्स और पाकिस्तान जिंदाबाद गई है और ज़िंदगी में कभी भी हार ना पाए लेकिन फैमिली निकली हुई है और ये सब ये देखें रोड साइड पे सारे ये सारा लोगों ने लोग जो है वो खड़े हैं और साथ है दूसरा यूपिन टावर यार सुन डोरस को किसी ने नहीं सजाया हुआ इधर बना ना बना रही स्टेट पार्क और ब्यूटी पार्क का दूसरा यूफुल टावर या यूफुल टावर दिस इज यूफुल टावर यूफुल टावर भैया बनाइए यूफुल टावर ये यूफुल टावर है अभी लिखा हुआ भी आ रही अभी
अब आया ये जी नाजरा का ऑफिस है ब्लू एरिया पे। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसने उतना सजाया हुआ है। एक बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ हम आपको इंशाल्लाह तमाम करेंगे आपके लिए। आपने सिर्फ एक काम करना है, बेल का आइकॉन दबाना है, कमेंट्स करना है, लाइक शेयर करना, बस। ना ना शेयर ना करें तो गुटा टूट जाते ना। ओहो कहाँ देखिए यार ये रौनक। कहाँ देखेंगे आप ये रौनक। वाह यार ये रौनक कुमारी है, इसका कोई मुकाबला। दिस इज कॉल्ड जुनून, ये है जुनून। हाँ सब लोग 14 अगस्त हो गए, टाइम देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड यूफुल बिल्डिंग। छोटे छोटे क्लिप में 4-5 मिनट मैं कर दूँ। ये मुल्क है पाकिस्तान यार, 20-20 किलो तो ज़्यादा ना होगा, जो बहुत कुर्बानी के बाद बनाया गया है। यहाँ पे सवाए बाजे के कुछ नहीं है। असा इस टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जिते साड़ी किस्मत ना जड़ा है वो फैसला किया जाना है, और हमारी किस्मत का फैसला करने वाले अब अपनी किस्मत का फैसला करवाएंगे 3-4 महीने बाद। उसके बाद फिर वो दोबारा हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग। बना रहा हूँ बना। सेल्फी टाइम। ये देखो यार कितने छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये लेमन सोडा भी सेल हो रहा है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह कल 14 अगस्त है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आहो आई रात को बात है ही है, कल दिन में भी है। बजा वे तेरी अम्मा ने बजा। ये है मेट्रो स्टॉप, हम यहाँ से गुजर रहे हैं। आए बन चले बाहर निकल रहे हैं घर से, और दे आर एंजॉयिंग देयर सेल्फ्स। ये देखें बिल्डिंग्स कितनी सेटिंग हुई हुई है, कितनी आंटियां बाहर निकली हुई हैं आज। पटाखा अपना तो पटाखा फ्यूल अब लो। तो ये है जनाब ब्लू एरिया। वाह ये है ब्लू एरिया, और यहाँ पे आवाम का जमे गफीर है। आवाम का समंदर है। समंदर हो वाह आवाम का समंदर है, और मेकअप भी लड़कियों ने किए हुए हैं, और हम शायद मुंह धो के भी नहीं आए। तो बहुत ही मज़ा आया यार इस व्लॉग को बनाने का, अपने इस पे जज्बा है। ए बहुत जज्बा है यार वल्लाह।
तूने दो झंडे डाली है करन। ओ, दो झंडे वाली गाड़ी काजल तो मोटरसाइकिल पे आई है। ओ वाह उस्ताद आज तो जज्बा दिखा रहा है उस्ताद, बोल जा रहा उस्ताद बोल कौन वो दो झंडों वाली गाड़ी बजाओ। माशाल्लाह गैदरिंग कर रहे हैं लोग, लोग बाहर भी निकल रहे हैं और हम तो बाहर वैसे निकल गए हैं। ये देखें 14 अगस्त की जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। ओए होए होए ओ भाई किधर बजाना पे वो वाला ये जनाब यार इस वक्त ब्लू एरिया में हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, सामने हमारी गाड़ी जा रही है। अभी हमें ब्लू एरिया में दाखिल नहीं हुए। आज देखें फैमिलीज जो हैं वो डिक्कीज में भी बच्चे बैठ के जा रहे हैं वोला। और ये देखो 14 अगस्त की बड़ी तैयारियां हो रही हैं, जश्न आज़ादी मुबारक। मुझे उम्मीद थी कि लोग इतने जज्बे से निकलेंगे बाहर, लेकिन ओ यार बजाएं भाई वेल डन वेल डन। ये घर से लड़कियां भी निकली हैं जी इंजॉय करने। और फ्रेंड्स काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकॉन को दबाइएगा। स्पीड तेज करेंगे नाज़रीन, आगे लाइटें खत्म हो गई हैं नाज़रीन। या बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी हैं और हम लोग आगे की तरफ चहलकदमी करके जा रहे हैं। और नाज़रीन हमारे मुकद्दर इतने को अच्छे थोड़े। हाँ हाँ हकीकत है भैया बन गए घुमा। बड़ा मंग है लोगों सजाया ही नहीं। वो जो होता है ना जज्बा वो कोई नहीं बाघ अर्जुन बाघ अच्छा साढ़े नारे लिया भी नहीं झंडा को नहीं लाया झंडी पार्टी की है ऊपर करके ऐसा वजीर आजम फिर उसने निकलना। तो उसे किसी ने पूछा कि सर उसे किसी ने पूछा कि सर अब जाग ही नहीं रहे। उसने कहा मैं झंडा चला के फिर जाऊंगा। 14 अगस्त के दिन सुबह के टाइम ना झंडा उड़ाते हैं। आहो परचम चढ़ाते ने बॉर्डर ते सारा है। यस यस समझ आ रहा बांधी है बांधी है बेहतरीन टाइम से चंगा कैमरा ले रहे हैं बस जिसको ना बने दसी नहीं नहीं बेहतरीन है कहीं नहीं उतरना हमने बस ऐसे ही इस्लाम और करना जितना हो जाए बदबा करनी हो किसी राय करनी हो इधर बना ला जो मेरे हाथों का बनाई जा रहा कोई भी नहीं नहीं।
अच्छा वाह, अच्छा ना यार, अभी हमारा 10 मिनट का काम है सर। तेरी माँ ने कड़ियाँ लैसा लाइया फिर बना रहे ये दसा फूल थलो लंघ रहे मिनट पूरे करने 15 दिन बस मिलने के अगर खुदा को मंजूर हो तू देखेगा तेरा भाई काम कैसे आता है। लंग जाओ लंग जाओ